प्रियंका गांधी वाड्रा परिवार सहित पहुंची रणथंभौर। 2 दिन तक रणथंभौर में रहेंगी प्रियंका। खबर कूनो से। कूनो, श्योपुर चीता, धात्री समेत कुछ और चीतों को छोड़ा जा सकता है खुले जंगल में। वहीं मादा चीता आशा वापस पहुंची पार्क बाउंड्री के पास। आशा से है कूनो को आबाद करने की आशा। खबर राजस्थान के उदयपुर से। उदयपुर तेंदुए के शिकार और तस्करी के मामले में SOG ने पकड़े 2 और आरोपी। मुख्य आरोपी चूनाराम की निशानदेही पर पकड़े गए आरोपी रणकपुर के जंगल में करते थे तेंदुओं का शिकार। खबर झुंझुनू के पिलानी से। यहां हाथी दांत की तस्करी कर रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा ने बताया कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली की सूचना पर कार्य करते हुए संयुक्त कार्रवाई में 3 आरोपियों को पकड़ा गया है जो हाथी दांत बेचने की फिराक में थे। इनके कब्जे से 3 बड़े और 3 छोटे हाथी दांत बरामद किए गए। मुकुंदरा में MT4 की मौत, वन्यजीव प्रेमियों में खासा आक्रोश है। बताया गया है कि MT4 के गर्भाशय में 80 दिन के 3 शावक थे जो 15 से 20 दिन में जन्म लेने वाले थे। यह शावक MT4 के गर्भाशय रैप्चर होने से मां के साथ ही मर गए। वन्यजीव प्रेमियों ने पशु चिकित्सकों द्वारा MT4 को 2-2 बार ट्रैंकुलाइज करने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, पूर्व में जब टाइगर मरे और लापता हुए तो सीधे DFO को APO कर दिया गया था, वहीं यदि आज यहां पशु चिकित्सकों की गलती है तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं। भले ही हम 21वीं से 22वीं सदी में पहुंच गए हों, लेकिन हमारा समाज अभी भी अंधविश्वास की पीढ़ियों में जकड़ा हुआ है। इसका उदाहरण मिला हिंडौन के सिकंदरपुर में, जहां जहरीले सांप के काटने पर बच्चे को अस्पताल ले जाने की जगह झाड़ फूंक करवाते रहे परिजन। आखिरकार 10 साल के मासूम केशव की मौत हो गई। जयपुर के आगरा रोड स्थित कैमवे गोल्फ रिजॉर्ट में 5 दिन से पिंजरे में बंद तेंदुए के शावक को आखिरकार वन विभाग ने रिलीज कर दिया। तेंदुए के शावक को जल्द रिलीज करने के लिए कई लोगों ने वन अधिकारियों को ज्ञापन दिए, गांधीवादी तरीके से गोभी के फूल भेंट किए। इसके बाद लेपर्ड को रिलीज किया गया। हरित राजस्थान में 5 करोड़ सघन पौधरोपण अभियान के लिए नर्सरी वितरण की तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम के तहत अजमेर वन मंडल कर रहा अच्छा काम। रणथंभौर में भालू की अटखेलियां कर रही पर्यटकों को रोमांचित। Zone No. 2 व अन्य स्थानों पर हो रही बाघों के साथ भालू की अच्छी साइटिंग। वाइल्ड इंडिया न्यूज स्पेसिफिक स्पीशीज सीरीज, जिसमें एक विशेष वन्यजीव एवं पक्षी प्रजाति पर चर्चा की जाएगी। आने वाले समय में हम इस कार्यक्रम में वन्यजीव विशेषज्ञों को भी करेंगे शामिल। तो फिलहाल बात करते हैं खड़मोर यानी लेसर फ्लोरिकन की। रतलाम में सैलाना अभ्यारण इसके लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। यह अभ्यारण 12.965 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। लेसर फ्लोरिकन यहाँ का मुख्य वन पक्षी है। राजस्थान का सौंखलिया भी लेसर फ्लोरिकन के लिए प्रसिद्ध है।